अब रिकॉर्डिंग पे जाऊं? हाँ हाँ बस इसे काट दो, बस चलिए यूं करते हैं, अनम्यूट माय सेल्फ। टीचर जी मिर्जा, हाय आपने मिर्जा, नोटबुक चेक कर ली? अभी स्टार्ट नहीं करी है, स्टार्ट करने लगी हूँ। नहीं टीचर, नोटबुक चेक कर ली आपने? फिर अच्छा हाँ, नोटबुक चेक हो गई है, चेक हो कल चुकी है। आ जाके ले ले, आ जाके ले ले। आज आ जाके क्या बोली? आ जाके नोटबुक ले ले। मैंने अपनी तो कर दी है बेटा, उर्दू इस्लामियात की, और ये चेक नहीं किया कि आया कि मैथमेटिक्स साइंस ये लो हो चुकी है कि नहीं, मैथ वगैरह। ठीक है, अगर ये देख के फिर मैं आपको, हाँ ये कह रही है, तो उर्दू इस्लामियात जो है ना वो बल्कि सारी हो गई होंगी, कल फरा मिस फरा भी और सर शौकत भी चेक कर रहे थे, ले जाए ले लें आके। ठीक है, और जो मैं काम नया दे रही हूँ ना, मंडे को सबमिट कराना है ये। ठीक है, असाइनमेंट आपको 10th असाइनमेंट जो है ये है, मंडे को आपको जमा करवाना है इसको, जो मैं अब जो दे रही हूँ काम। आपने तो वो पूरा भी नहीं किया था मुनीजा, पूरा कहाँ किया है, उसमें से भी बाकी है, थोड़ा बच्चों ने छोड़ा हुआ है, तभी टीचर वो तो। नोट से करूंगी मैं। तो लिखना तो है ना एचपी में, लिखना तो है, नोट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नोटबुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है। राइटिंग स्पीड ये वो सब बड़ी काम करती है एग्जाम में, बोर्ड में, और बल्कि लिखना है क्या, टाइम देख के लिखना है कि मैं यहाँ ये सवाल कर रही हूँ तो कितने मिनट में कर रही हूँ। ये तजर्बे आप लोग करते क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। बोर्ड के एग्जाम को हलवा समझ रहे होते हैं, जब कोई लॉन्ग सवाल कर रहे होते हैं ना, जौन सा भी सवाल कर रहे हैं, देखें कि वो कितने वक्त में हो रहा है, ये तजर्बा का तजर्बा हो जाएगा, और एचपी में लिख भी लेंगे, दो काम हो गए, दो फायदे हो गए। मैंने अपनी बेटी की बात बताई थी ना, मैं खुद हैरान होती थी, बल्कि मैंने कुछ नहीं कहा था उसको, वो खुद से ना, उसकी टीचर ने कहा था, लेकिन वो खुद से कहती थी, मम्मा वहाँ टाइम बहुत काउंट करता है, अगर कोई चीज़ रह गई तो मेरी 8 नंबर की 6 नंबर की तो मैं क्या करूँगी। तो वो क्या करती थी, जब लिखने बैठती थी ना, लिख लिख के वो याद करने के बाद लिखती थी, साथ में रफ रजिस्टर लेके बैठती थी, तो लिखने के साथ साथ वो क्या करती थी, टाइम नोट करती थी कि मेरा लॉन्ग 8 नंबर का ये कितने मिनट में हो रहा है, और ये छोटा सवाल जो मैं कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन ये कितने मिनट में हो रहा है, और एमसीक्यू उसके तो खैर आधा घंटा दिया जाता है, जी जो मैं तर्जुमे लिख रही हूँ ये कितनी देर में हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे तो फायदे में रहेंगे आप लोग। इसलिए लिखने का मैंने आप लोगों को बोला है कि लिखे भी चेक भी हो जाएगी, नोटबुक में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, दूसरे ये कि टाइमिंग का भी पता चल जाएगा, टाइमिंग का भी पता चल जाएगा, तो 3-4 फायदे हो रहे हैं। तो लिखने में हर्ज थोड़ी है कि वो नोट्स रखे हैं, वो रट्टा लगा लेंगे बस बाद में, फायदा क्या है फिर उसे, लिखना कब शुरू करेंगे, लिख के भेजें उसे, मैं चेक करूं, फिर गलतियां भी आप लोगों की जो होती है ना वो भी पॉइंट आउट हो जाती हैं। आप लोग हिज्जों की गलतियां इतनी करते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट भी, कि वो हंसी आ रही होती है मुझे कि किस लफ्ज़ को क्या लिखा हुआ होता है, सीन में जगह स्वाद बनाया हुआ होता है, कहाँ स्वाद वाले लफ्ज़ से लिखना सीन बनाया हुआ होता है, तो ये क्या एग्जामिनर या चेकर की नज़र से नहीं गुजरेगा क्या? गुजरेगा ऑफ कोर्स, अगर वो बहुत ध्यान से चेक कर रहा होगा तो उसकी नज़र से एक दो लफ्ज़ भी पड़ गए ना आपके गलत, तो वो सोचेगा इसमें गलतियां बहुत होती हैं, ये करती होगी तो और ध्यान से चेक करने लग जाएगा, उसके मार्क्स कटेंगे, जब जगह जगह रेड मार्किंग होगी तो नंबर तो कटेंगे ना, तो ये हिज्जों की गलतियां भी सही हो सकती हैं देख कर लिखने में नोट से। चलें
समझा रही थी मैं आपको, हदीस नंबर 15 अभी और बाकी था, वो कुछ और उसका कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तैयबा, कंटिन्यू करती हूँ उसी को ही, रोजे की अहमियत मैं बता रही थी। सूरह बकरा में इरशाद होता है, ये आ गए, सो गए अब्दुल्ला साहब, एक क्लास ले लेते हैं, बड़ी मेहरबानी करते हैं हम पर। हाँ अब्दुल्ला, तैयबा, मुनीजा। सूरह बकरा में इरशाद होता है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी मिल्लत इस्लामिया मुसलमानों से पहले भी जो है दूसरी कौमों पर रोजे फर्ज किए गए थे और हम पर भी फर्ज किए गए। रोजा रोजादार में इसार पैदा करता है, यानी कुर्बानी का जज्बा, सब्र पैदा करता है, ईमान का जज्बा पैदा करता है, तस्किया नफ्स का बाइस होता है, यानी दिली सुकून का बाइस होता है, नफ्स हमारा मुतमईन होता है। नफ्स क्या होता है? हमारा अंदर, हमारा जमीर, जिसको जमीर कह लें, नफ्स हमारा अपना अंदर, वो मुतमईन हो जाता है। जब कोई नेक काम करता है, कोई फर्ज काम करता है, तो एक सुकून एक तरह का मिलता है और हमारा नफ्स मुतमईन रहता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया बल्कि अच्छा काम किया है, अल्लाह को राजी करने वाला काम किया है। तो एक तस्किया नफ्स का बाइस भी बनता है रोजा रखना, और बुराई से इज्तनाब का सबब भी बनता है। फिर हम उसमें रोजे में बुराइयों से बचते भी हैं, उसका अलग फायदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान अगर नमाज, हज, ज़कात अदा करता हो और रोज़े ना रखता हो तो वो इसकी निजात के लिए काफ़ी नहीं। यानी कि हमें तो अरकान दीन जो है ना, पूरी तरीके से सारे अरकान दीन को बजा लाने का हुक्म है। यानी ये नहीं है कि अगर रोज़े नहीं रख रहे नमाज तो पढ़ें बाकायदगी से। रोज़े रखने में हमारी जो है वो जान जाती है, कौन रखे 16 घंटे का रोजा। कुछ लोग इस तरह से उनकी सोच होती है कि कौन भूखा रहेगा, इतनी गर्मी पड़ रही है। आपको पता है गर्मी के रोजे अल्लाह को पसंद है, सर्दी की नमाजें पसंद है, जिसमें मुशक्कत, मेहनत, तकलीफ, अल्लाह यही तो देखता है कि ये मेरे लिए उठा रहा है ना, ये मुशक्कत मेरे लिए, ये तकलीफ उठा रहा है ना, तो वो खुश होता है इससे। उसको खुशी देती है ये चीज कि हम देखें, सर्दियों में तो रोजे किसी को भी कहो वो भी रख लेगा सर्दियों में रोजे, क्योंकि वो मुख्तसर रोजे होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं ना, रातें बड़ी होती हैं, सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है, रोजा जल्दी खुल जाता है, देर में शुक्र खत्म होता है। तो वो 16 घंटे का नहीं होता, वो कम होता है। अमूमन देखा होगा अपने 5 साढ़े 5 तक पहुंच जाता है रोजे बंद होने का टाइम, और खुलने का टाइम आ जाता है 5:45 बजे। कभी आपने जब सर्दियों के रोजे, आप पता नहीं आपकी जिंदगी में आए कभी सर्दियों के रोजे? आए नहीं? आए ना, वो तो बहुत सालों के बाद आते हैं, ठीक है, बहुत साल गुजरते हैं जब ये चक्कर घूमता है ना, 11 11 दिन का फर्क होता है किसमें, चांद की तारीख में और ईसवी तारीख में, 11 दिन का हर साल फर्क हो जाता है, तो सालों के बाद आते हैं। मैंने देखे हैं गर्मियों के रोजे भी, सर्दियों के रोजे भी। सर्दियों के रोजे मुख्तसर होते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो हर कोई कहता है कि यार सर्दियों के रोजे ना कोई मुश्किल नहीं होते, मैं तो रख लेता हूँ, यही तो बात है। हाँ ना, गर्मियों के भी आए, बहुत सख्त गर्मियों के रोजे, और सर्दियों के भी आ गए। जब शादी हुई थी मेरी, जब आए थे सर्दियों के, जनवरी फरवरी, अब फिर आएंगे। हाँ बहुत, देखें अल्लाह को गर्मियों के रोजे, सर्दियों की नमाजें बे इंतहा पसंद है। जब हम सर्दियों में नमाज के लिए उठते हैं ना, सबसे मुश्किल वक्त होता है फजर का और सर्दियों का, जब सर्दियों में लिहाफ के कंबल के अंदर से हम लोग निकलना भी नहीं चाह रहे होते, शैतान उस वक्त और ज्यादा हावी हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं सो जाओ आराम करो, इतनी गर्माहट मिल रही है, सर्दी है बाहर, तो जैसे हम ब्लैंकेट हटाएंगे सर्दी लगेगी, है ना, तो वो उस वक्त और ज्यादा आके बहकाता है, उठने नहीं देता। यही तो मोमिन की पहचान है कि वो सब कुछ शैतान की बातों में, फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए उस वक्त, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अगर बहका भी रहा हो ना शैतान, तो फौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने चाहिए, भाग जाता है वो, पनाह मांग लेती है, आपने अल्लाह से पनाह मांग ली, ठीक है, शैतान मरदूद के शर से। तो अल्लाह को गर्मियों के रोजे पसंद हैं, गर्मियों के रोजे लंबे होते हैं और मुशक्कत वाले होते हैं, प्यास बहुत लगती है, खाने से तो फिर भी बर्दाश्त कर जाता है बंदा,
खाने के बगैर तो 16 घंटे क्या, एक दिन 2 दिन भी रह जाएगा, लेकिन पानी के बगैर बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये बर्दाश्त करना, सब्र करना, और क्योंकि सब्र करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। रोज़ा रखने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। तो उसके लिए हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो फिर वो कैसे खुश नहीं होगा? वो बहुत खुश होता है इस बात पर कि मेरा बंदा मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए रोज़े रख रहा है, भूखा है, प्यासा है, ताकत होते हुए वो चीज़ें खा सकता है, लेकिन डर रहा है, तकवा उसके अंदर है, वो मुझसे खौफ खा रहा है कि मैं ना देख लूँ खाते हुए, तो वो हाथ रोक लेता है अपना। रोज़ा तोड़ने का बहुत बहुत गुना होता है, पता है, कुफारा होता है, बल्कि बहुत बहुत सख्त गुना है। एक रोज़ा अगर जानबूझकर तोड़ा जाए ना, जानबूझकर और गलती से, भूले से, कहते हैं जो भूले से अगर कोई बच्चा, खास तौर से अमूमन जब बच्चे नए नए रोज़ा रखना सीख रहे होते हैं ना, जैसे 11 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल के बच्चे, तो वो जो रोज़ा शुरुआत होती है उनकी, तो वो अचानक से, उन्हें पता नहीं होता ना कि वो खा लेते हैं गलती से, और फिर एकदम से ख्याल आता है तो थूक भी देते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात पेट में भी ले जाते हैं, वो रोज़ा नहीं टूटता उसका, तो वो रोज़ा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने उसको खिलाया, अल्लाह चाहता था, अल्लाह ने उसको खिलाया, इसलिए उसने खाया। रिस्क तो अल्लाह की मर्जी से जाता है ना पेट में, तो अल्लाह ने उसको खिलाया, भूले से उसकी माफी है, लेकिन जानबूझकर अगर किसी ने तोड़ा रोजा, तो उसकी माफी तो दूर की बात है, उसका बहुत सख्त गुना है, सख्त गुना, एक रोजा तोड़ने का बहुत सख्त गुना है। इसलिए रोज़ा तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक मोमिन, एक ईमान वाला जो अल्लाह की रजा के लिए रोज़ा रख रहा है, वो जानबूझकर ऐसी कोई हरकत करेगा। कोई मुसलमान अगर नमाज, हज, ज़कात अदा करता हो और रोज़े ना रखता हो, तो वो इसके निजात के लिए काफ़ी नहीं। निजात के लिए ज़रूरी है अल्लाह के सारे अहकाम की पाबंदी की जाए, जितने भी उसने अहकाम हमें दिए हैं करने को, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, कुरान की एक छोटी सी जो है आयत का एक टुकड़ा है ये, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, यानी अल्लाह ने जिन जिन अहकाम को करने का हुक्म दिया है वो किए जाएँ, और व नहीं अनिल मुनकर, और जो नहीं कहा करने के लिए मना किया है उससे बचे रहे। ये है अल्लाह को राजी करने का सबब कि अल्लाह के अहकाम, अब ये अल्लाह के अहकाम है, हम हज तो अदा करें, जकात तो दे रहे हैं, तौहीद पर भी हमारा ईमान है, ठीक है, सब सारे अरकान पर हैं, लेकिन रोज़ा बाज लोग क्या करते हैं, बहुत बहाने बहाने से भी छोड़ने की कोशिश करते हैं, यार बीमार रहती हूँ ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ये बोलती हैं बहुत से, मैंने सुना है, बर्दाश्त नहीं होता, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे भाई, यही तो रोज़ा है, बर्दाश्त ही तो पैदा करनी है आपके अंदर, रोज़ा ही यही है, बर्दाश्त पैदा करनी है, तो फिर कैसे बर्दाश्त नहीं होता? हाँ, बहुत जो बीमार हैं, जैसे ज़ईफ़ लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ईफ़, बहुत बीमार हैं, तो अल्लाह ताला, इस्लाम में सख्ती नहीं है, अल्लाह ताला जो है, फिर उसका जो है कुफा, उसका फ़दिया कहते हैं उसको, देते हैं रोज़े का ना, जैसे बीमार हैं, लेकिन उसकी कज़ा करनी है, अगर अगर वक्ती तौर पर कोई जवान जहान आदमी बीमार हो जाए, ठीक है, रोज़ा नहीं रखा, डॉक्टर ने मना किया, तो सेहत तो सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है, अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करने को कहा है, उसे जानबूझकर जो है ख़ुदकुशी नहीं करनी है, आपको मरना नहीं है कि नहीं डॉक्टर तो मना कर रहा है, हम रख रहे हैं फिर भी रोज़ा, हम बड़े ईमान वाले हैं, नहीं, अल्लाह भी यही कहता है कि अगर तुम्हें, तुम्हारे तबीब ने मना किया है रोज़ा रखने को, तो रुक जाओ भी फिलहाल, लेकिन रोज़े की कज़ा बाद में पूरी करो, ठीक है, उसकी हमें बाद में वो रोज़े रखने होंगे। अगर कोई, हम जैसे लोग, अच्छे सेहतमंद लोग, अचानक से खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं और हम रोज़ा नहीं रख पाते, तो बहुत तेज़ बुखार हो गया, जैसे आजकल कोरोना का मसला चल रहा है, अगर खुदा न खास्ता रमज़ान में भी चलता रहा और कोई कोरोना में पड़ा हुआ है, तो रोज़ा रखने का थोड़ी कहा है, फिर वो जब सेहतियाब हो जाए तो रोज़ा की कज़ा कर ले पूरी, बाद में रख ले जितने रोज़े उसके छूटें। रोज़े में ख़ास बात ऐसी है कि जो किसी और इबादत में नहीं है, वो ये है कि रोज़े के होने या ना होने का अल्लाह ताला के सिवा किसी को इल्म नहीं है। रोज़ा मकबूल हुआ या नहीं हुआ, ये तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, ठीक है, ये बंदा भी नहीं जानता। हम बाज़ औक़ात रोज़े में भी कुछ ऐसे छोटे मोटे सगीरा गुनाह कर जाते हैं, जैसे झूठ बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, ना चाहते हुए भी दुखा दिया, ठीक है, तो रोज़ा जो है हमारा मकबूल आम हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह की बारगाह में, ये हम नहीं जानते, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है कि ये मेरा बंदे ने रोज़ा जो रखा है, ये 30 रोज़े रमज़ान के रखे हैं, आया कि मैं इसे कबूल करूं, मेरी बारगाह में ये कबूल हैं, शर्फ़ कबूलियत मैं इसको बख्शूँ या नहीं बख्शूँ, ये उसके अलावा कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। इसलिए रोज़ा वो शख्स रखेगा जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा और वो दीन में ताकतवर होगा, दीन के मामले में वो ताकतवर होगा,
रोजा उसी का मकबूल होगा। हम अपने से हत्तुल इम्कान ये कोशिश करते हैं, हम कहते हैं ना कि हम रोजा जो है अल्लाह के बारगाह में तुम्हारे रोजे कबूल हों, ठीक है, तो ये अल्लाह के हाथ में होता है कि वो कबूल करता है कि या नहीं, लेकिन हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रोजों में बुराइयों से इज्तनाब करें, इज्तनाब करें, बुराइयों से बचें, जितनी भी अब कर सकते हैं कोशिश उतनी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे इख्तियार में है। रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ, इसलिए कयामत के दिन जालिम की इबादतें लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी मगर रोजा नहीं दिए जाएगा। ये आपने एक, मैं आपको बात बताती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, किसी शख्स ने, कि दुनिया का मुफलिस तरीन आदमी कौन है, मुफलिस तरीन खलाश जिसके हाथ में कुछ ना हो वो कौन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐसा शख्स जो कयामत के जैसे जिसने दुनिया में किसी का के साथ जुल्म किया होगा, किसी के साथ बुरा किया होगा या कुछ भी गलत किया होगा या तशद्दुद किया होगा या जालिम किया होगा, और उसकी जो जिसके साथ किया होगा उसने, तो जब वो कयामत के दिन अल्लाह के रूबरू हाजिर होगा ना, तो उस शख्स की नेकियां जो हैं इस जिसने जुल्म किया है, ठीक है, उसकी नेकियां जितनी भी उसके खाते में लिखी होंगी उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिस पर उसने जुल्म किया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर भी अगर उसकी नेकियां इतनी हैं, इतनी थी कि उसने दे दी, भाई जुल्म किया उसने, पता नहीं कितने लोगों पर उसने अपनी जिंदगी में जुल्म किया, कितने को साथ बुरा किया, कितने का दिल दुखाया, कितने के साथ नाइंसाफी की, कितनों के साथ, कितनों का माल खाया, कितने यतीमों को धक्का दिया, ये तो नहीं पता ना। अब वो शख्स ना गुनाहगार था कि उसकी नेकियां जो थी उन शख्सों को दे दी गई जिनके साथ उसने जुल्म किया, अब फिर भी उसका पूरा नहीं हुआ, मतलब उसको अल्लाह को और चाहिए थी नेकियां, कि अब इसकी नेकियां तो बची नहीं है, मैं क्या दूं उन लोगों को। तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उनके जो गुनाह है ना, वो उन लोगों के जिन पर इसने पूरी जिंदगी या जुल्म तशद्दुद किए या बुरा किया जिनके साथ भी, उनके गुनाह इसके खाते में आ जाएंगे। इसके पास तो नेकियां तो वैसे ही नहीं थी, नेकियां तो थी नहीं, वो तो चली गई, अब उनके गुनाह इनके खाते में आ गए, तो ये तो गुनाहों से और भर गया, इसका पलड़ा जो है गुनाहों से भर गया, इसके पास कुछ नहीं था, नेकियों के नाम पर इसके पास एक ढेला नहीं था, एक चीज नहीं थी, एक नेकी छोटी से छोटी नेकी भी नहीं थी, वो सब भी दे दी जाएगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे नजदीक वो है सबसे ज्यादा मुफलिस, सबसे ज्यादा वो नहीं है, पैसे रुपए पैसे नहीं है, ये रुपए पैसे वाली मुफलिसी नहीं है कि उसके पास रुपए पैसे नहीं है, फलन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि नहीं, वो शख्स जिसके पास वो एक रुपया भी नहीं था पूरी जिंदगी, ये वो मुफलिस या वो मालो दौलत वाला मुफलिस नहीं कह रही हूँ मैं, नेकियों और बदियों वाला मुफलिस कह रही हूँ। कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, मेरी नज़र से गुजरी थी, मैंने पढ़ी थी, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा था कि दुनिया का मुफलिस तरीन आदमी कौन है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मुफलिस होगा जिसके नामा या माल में एक इतनी सी नेकी भी नहीं होगी, वो भी दूसरों को दे दी जाएगी जिनका उसने हक खाया होगा, उसके साथ बुरा किया होगा, उसके साथ जुल्म किया होगा, या जो भी बुराइयां जो भी उसने अपनी जिंदगी में की, तो उसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी, फिर भी अगर पूरा नहीं पड़ेगा तो उन लोगों की गुनाह जो है वो इसके खाते में आ जाएंगे, तो इसके तो और ज्यादा पलड़ा इसका गुनाहों का बढ़ जाएगा, तो वो तो जहन्नुमी ही होगा, वो तो दोजख में ही जाएगा फिर तो। वो है सबसे ज्यादा मुफलिस। यहाँ पे रोजा के लिए एक, यहाँ पे नीचे जो है अल्लाह ताला का इरशाद नीचे देखे लिखा गया है, रोजा खास मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला देता हूँ, इसलिए कयामत के दिन जालिम की जो इबादतें लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी, जालिम कौन, जिन्हें मजलूमों पर जुल्म किया उनकी इबादतें उनकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी, लेकिन रोजा नहीं दिया जाएगा। अगर उस शख्स ने, उस जालिम ने अगर कुछ जुल्म किए होंगे ना, तो रोजा रखता होगा वो बाकायदा, पूरी जिंदगी उसने रोजा रखा हो, हालांकि सारे गुनाह कर रहा है वो, लेकिन रोजा रख रहा था, तो रोजे का अजर तो अल्लाह ने वादा किया है ना कि मैं इस मेरे लिए रखता है बंदा, मैं ही इसका अजर दूंगा। तो यहाँ इसमें इरशाद रब्बानी है, ये हदीस कुदसी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है, ये हदीस कुदसी है, रोजा खास मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला देता हूँ, इसलिए कयामत के दिन जालिम की इबादतें लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी मगर रोजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह की चीज है, कि अल्लाह चाहेगा तो होगा वरना नहीं, क्योंकि रोजे का अजर देने का वादा अल्लाह ने हदीस में कहा है, हदीस है कि मैं ही इसका अजर दूंगा, ये मेरे लिए रखा जाता है। रोजा और कुरान बंदे के लिए शफात करेंगे, ये मैंने सुना हुआ है, कई दफा मेरी नजरों से भी गुजरा है, एक तो कुरान शफात करेगा, एक रोजा,
और कहेगा रोजा क्या कहेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा कहेगा ए रब मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। रोजा खुद कहेगा शफात का अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला चाहेगा तो शफात नसीब होगी, किसी के कहने से नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अल्लाह चाहेगा। लेकिन वहाँ रोजा ये गवाही देगा कि इस शख्स ने, इस शख्स मैंने जो है, मैंने यानी रोजा कहेगा मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया। ख्वाहिशें भी होती हैं, नफसानी ख्वाहिशात, उससे अपने आप को बचाता है। रोजा सिर्फ खाने पीने से बचाव का ही नाम नहीं है, और भी बहुत सी चीजें, अभी आप बच्चे हो नहीं समझते, छोटी मोटी चीजें ऐसी बातें जो बाद में आपको समझ आएंगी, ठीक है, उनसे भी रोकता है। अल्लाह ने जो जो चीज से मना किया है ना, कुछ और भी बातें होती हैं जो यहाँ बताना मुनासिब नहीं है, सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, सिर्फ खाने पीने से का और बुराइयों से और इनसे बचने का बता रही हूँ। कुरान कहेगा कि इसने ख्वाहिशों से अपने आप को दिन भर रोके रखा, खाने से अपने आप को दिन भर रोके रखा, मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा, कुरान कहेगा। इसी तरह हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, रोजा रखने के अलावा कुरान पढ़ना भी एक सवाब का बाइस होता है। कुरान हमारी हमारी गवाही देगा कि मैंने इसे रात में, ये जो तरावी होती है ना, कुरान ही पढ़ा जाता है पूरा का पूरा, पूरे रमजान में कुरान की खत्म है, कुरान होता है तरावी की सूरत में। तो कुरान कहेगा कि मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा, इनकी भी शफातें कबूल फरमा, की शफातें कबूल फरमा। अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट की जाएगी, ये लोग हमारे हक में गवाही देंगे। इस हदीस के दूसरे हिस्से में बताया गया है कि इसकी रातों में, इस हदीस का दूसरा हिस्सा क्या है, देखें, पहला हिस्सा तो मैंने अभी आपको समझाया, जिसने ईमान और अजर की नियत से रोजे रखे और इसकी रातों में क्याम किया, इसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए। अब दूसरा हिस्सा जो है, इसमें यहाँ कहा गया है, इस हदीस के दूसरे हिस्से में, पहला तो ईमान और अजर से रोजे रखना और रातों में क्याम करना। रातों में क्याम करना किसे कहा गया है? एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे फर्ज कर दिए हैं और मैंने रमजान की शब बेदारी को, यानी कुरान के लिए, तरावी के लिए तुम्हारे वास्ते सुन्नत बनाया, खुदा के हुक्म से। तरावी सुन्नत है पढ़ना इसकी, ठीक है, और खुदा के हुक्म से अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने इसे मुसलमानों के लिए सुन्नत बनाया, यानी रातों को कुरान पढ़ा जाता है, तरावी पढ़ी जाती है पूरे रमजान उसके लिए। ये दूसरा हिस्सा है हदीस का। मजीद क्या इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाब और ईमान की नियत से रोजे रखे और रमजान की शब बेदारी करे, वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जिस तरह इसकी माँ ने इसे जन्म दिया हो। शब बेदारी करने का मतलब नहीं है पूरी रात आप जाग रहे, ये वो वाली शब बेदारी नहीं है, रात में जागने को मना किया गया है इस्लाम में, कुरान में दो तीन जगह पे, ये तीन जगह पे ये लिखा हुआ भी है सामने, यहाँ पे रखा हुआ है, रातें आराम के लिए, दिन काम के लिए। शब बेदारी क्या है, देखें, जो हिजरी जो दिन होता है ना, वो शुरू हो जाता है मगरिब के बाद से, हिजरी तारीख जो है वो मगरिब के बाद से शुरू हो जाती है, नई तारीख लग जाती है, जबकि ईसवी कैलेंडर में ऐसा नहीं होता, वो नेक्स्ट डे से लगती है ना ईसवी तारीख, लेकिन हिजरी तारीख जो है वो मगरिब के बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो हमें जल्दी सोने का हुक्म है मुसलमानों को, कुरान में है कि जल्दी सो जल्दी उठो आम तौर दिनों में, लेकिन रमजान में ऐसा नहीं होता। हम इशा पढ़ते हैं ना, जब उसके बाद तरावी होती है, टाइम लगता है, रात रात लगती है ना उसमें, तो वो कयामुल लैल हो गया, यानी रातों को कयाम करना, खड़े होके तरावी पढ़ी जाती है, 17 रकतें होती हैं इसकी और टोटल 20 रकतें होती हैं, 17 वो और 20 तरावी की होती हैं, कितनी हो गई, 20 और 10 30 और 37 37 हो गई है। तो वो पढ़ते पढ़ते कुरान सुनते हैं, खड़े होके तरावी सुनते हैं, तो टाइम लगता है ना, रातों का एक हिस्सा रात का जाता है। तो ये दूसरा हदीस के दूसरे हिस्से में यही कहा गया है कि अल्लाह ताला ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं और मैंने रमज़ान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने रमज़ान की शब बेदारी को, कुरान के लिए तरावी, तुम्हारे वास्ते सुन्नत बनाया खुदा के हुक्म से, ठीक है। मजीद क्या इरशाद होता है, जो शख्स सवाब और ईमान की नियत से रोजे रखे, सवाब और ईमान की नियत से रोजे रखे और रमजान की शब बेदारी करे, वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह माँ ने आज इसे जन्म दिया हो। बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है, बच्चा जब पैदा होता है गुनाहों से पाक होता है, ये तो दुनिया में आकर, इस दुनिया में आकर गुनाहों में के
उसमें लथड़ जाता है बिल्कुल, लेकिन जब पैदा होता है ना, मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, तो तशबीह देकर क्या कहा है कि जिसने रोजे रखे रातों को कयाम किया, ईमान, ये शर्त के साथ बताऊं, ये बात जहन में रखिएगा, जिसने रोजे रखे रातों में कयाम किया, लेकिन किस तरह, ईमान और सवाब की नियत से अगर रोजे रखे रातों में कयाम किया, तो गोया वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी अभी उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो, यानी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है। एक और हदीस है, जिसने रोजे रखे इसकी रातों में कयाम किया, इसका मतलब ये है कि रमजान शरीफ की रातों में नवाफिल पढ़ना और तहज्जुद अदा करना। एक और हदीस है, हर शय की जकात है, और बदन की जकात क्या है, रोजा जकात है, हर शय की जकात होती है ना, सोना चांदी नगद जो भी हमारे पास पैसे रुपए पैसे होते हैं, इसकी जकात अदा करते हैं तो माल पाक हो जाता है। बदन की जकात क्या है, जिस्म की जकात रोजा है, रोजा रख लिया, अब हमारा हमारा जिस्म, हमारा नफ्स, हमारा अंदर का जमीर पाक हो जाता है गुनाहों से। अल मुख्तसर ये कि ईमानी कैफियत है खुलूस नियत के साथ रमजान के रोजे रखना, नमाज तरावी में कयाम करना सबका गुनाहों की बख्शिश का बाइस भी बनता है। ठीक है, समझ में आ गई है। मैंने 14 और 15 हदीसें समझाई हैं। ये नाम आखिर का क्यों मिट रहा है, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, छोटी हो गई स्क्रीन। पीछे करने का कहाँ है, पता नहीं किसका नाम लिखा है, तैयबा, सुफियान, शायान, सफिया, अब्दुल्ला, सही है। चले पता नहीं और बच्चे आएंगे, नहीं अब नहीं आएंगे, बिल्कुल अंडी हो रही है। अब मैं लिखवाने लगी हूँ, नोटबुक लेकर आ जाइए अपनी। एक सवाल कल वाली हदीस का भी रह गया था, वो भी लिखवाना है, मजलिस के आदाब बयान करने, फिर उसके बाद इस हदीस का और उस अगली हदीस का, तीन तीन सवाल है। पिछले 1 मिनट रुक जाए। टीचर, कल आपने इस्लामियात में काम करवाया था? जी मैंने करवाया था, हदीस नंबर 13 का सवाल करवाया था, तो एक सवाल हदीस नंबर 13 का करवाया था और एक सवाल हदीस नंबर 12 का करवाया था, और उसके बाद मैंने कहा था हदीस नंबर 13 में जो है एक सवाल और है, वो भी मैं करवाऊंगी, मजलिस के आदाब। 13 में दो सवाल थे, हदीस 13 में दो सवाल थे, एक करवा टीचर, लिया। वहां पर तो मेरा हुआ है, वो तो आपने परसों करवाया था कौन सा, मुझे टीचर, 12वीं का? हदीस दी 12वीं में तो दो अच्छा, सवाल थे। हाँ तो 13वीं मैंने कल समझा के और उसका सवाल एक करवाया था, समझाई भी थी और एक करवाया था सवाल, अब दूसरा उसी का करवा रही हूँ, मजलिस के आदाब। रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, उसमें देख लीजिएगा। शुरू करूँ? जी बीबी, ये टाइम क्या हो रहा है? हाँ नहीं, एक और है, इस्लामियात की एक और है, 10:40 हो गए, 10:40 हो गए। हाँ तो वो लेट हो गया ना, इसको रिकॉर्डिंग में, इसमें उसमें टाइम, चलें फिर मैं क्या करूँ, इसको कैंसिल करेंगे। अच्छा ये सर शौकत की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, तो ये मैं अभी इस्लामियत का काम आज नहीं करा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी, कल सेकंड यूनिट में, ठीक है, तो अभी क्लास एंड कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम।